अस्सलामुअलैकुम। ये गाड़ी है होंडा सी एफ, सीविक कह लो, 7-8 मॉडल और सी एफ कह लो। तो इसका मसला ये आ रहा है, इसका ना स्टेयरिंग नहीं चल रहा। तो ये पहले तो पावर पंप वाली आती, इलेक्ट्रिक लगवाया इन्होंने, उसके बाद से गाड़ी ये चला रही है, देखो स्टेयरिंग नहीं चल रहा। तो अब इसको चेक करते हैं क्या मसला है। पहले तो हम लगाएंगे स्कैनर, स्कैनर के ऊपर चेक करते हैं हमारा कोड क्या आ रहा है। स्कैनर लगाते हैं, इसके अंदर आता है पावर पंप इलेक्ट्रिक, इसकी गंगी बाद में लगाते हैं। 16 पिन जर्नल में जाएंगे, मॉडल चले जाते हैं हम 7 में, और इसके पावर स्टेरिंग ईपीएस इलेक्ट्रिक पावर स्टेरिंग, इसके अंदर स्कैनर ग्रेड। स्कैनर हमारा कनेक्ट ही नहीं हो रहा, इंजन के अंदर चेक करते कनेक्ट होता है। इंजन में कनेक्ट हो रहा है, पावर स्टेयरिंग में कनेक्ट नहीं हो रहा। एटी सिस्टम ऑल फंक्शन। अब इसकी चेक करते हैं जो पावर स्टेयरिंग की वायरिंग होती है डीएलसी तक, वो की हुई कि नहीं, फिर पहले वो करते हैं तो फिर हम स्कैनर कनेक्ट करके चेक करते हैं। ये हमारी जो तार है ना, एक नंबर तार बनेगी येलो कलर की, ये पहली तार ये वाली, इसके अंदर आ रहा है हमारा इग्निशन का करंट। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये इग्निशन का करंट इसके अंदर पहली तार के अंदर आ रहा है, और ये है हमारी अर्थ करंट वाली मोटी तारें, इसके अंदर भी करंट आ रहा है। नीचे वाली ये अर्थ है ब्लैक तार, सप्लाई हमारी मुकम्मल है। जो इसकी डीएलसी को तार जाएगी ना, वो हमारी ये ग्रे कलर की तार है, ये तार, ये लगी नहीं हुई तार, ये देख रहे हो। अब इसको मैं डीएलसी के अंदर लगाऊंगा और फिर हम चेक करेंगे हमारा स्कैनर कनेक्ट होता है कि नहीं होता, कोड की चीज़ का आता है जिसकी वजह पावर स्टेयरिंग नहीं चल रहा। ग्रे तार को हमने डाल लिया है, अब ये डीएलसी के अंदर हम लगाएंगे। डीएलसी के अंदर भी सेम यही कलर होगी, ये ग्रे कलर की तार है, डीएलसी के अंदर भी सेम यही कलर की तार होगी। तो अब इसको डीएलसी के साथ लगाते हैं तो फिर चेक करते हैं। ये तार है ग्रे कलर की तार, ये हमारा ड्रैग करंट है, एक नंबर तार 16 नंबर तार के अंदर आता है हमारा ड्रैग करंट ये, और उसके बाद ये 13, ये 14 नंबर तार है ना, ये यहाँ से पहली लगा लो आप, पहली ड्रैग करंट है, दूसरी खाली तीसरी तार होगी ये ग्रे कलर की तार, इसके साथ मैंने लगा दी है। डीएलसी के अंदर भी ग्रे और वहाँ पे उसके अंदर भी डब्बी के अंदर भी ग्रे। अब इसको स्कैनर लगा के चेक करते हैं, स्कैनर अब कनेक्ट करते हैं हम पावर स्टेयरिंग के अंदर। स्कैनर हमारा कनेक्ट हो गया, कोड हमारा आ रहा है ए प्रॉब्लम इन द सर्किट फॉर एएमपी सेंसर, ये टॉर्क सेंसर का हमारा कोड है, टॉर्क सेंसर एएमपी। अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लियर, सेंसर कोड क्लियर है, कुछ बंद, स्टीयरिंग हमारा चल गया, हो गया ना। ये अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर है, इसकी पहले वायरिंग की है और फिर स्टीयरिंग हमारा चल रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के लिए रहा, इसका टॉर्क सेंसर कह रहा था वो क्लियर किया, तो हमारी गाड़ी क्लियर होगी, स्टीयरिंग भी चल गया और स्टीयरिंग स्कैनर भी कनेक्ट हो, स्कैनर की वायरिंग ही है पहले, और कोड हमारा टॉर्क सेंसर है वो क्लियर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर है।